Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we have studied about soil, classification of soils and our main soil, alluvial soil. आज हम लोग पढ़ेंगे alluvial soil के बारे में. Classification of soils, soils जो है बहुत different तरीके का है. हाँ, इसके पीछे कारण है जो हमारा आपने physical features पढ़ा है उस पर आपका देखिएगा कि जो हमारा बनावट है, हाँ, जो reliefs है उसके कारण, क्लाइमेटिक के कारण, क्लाइमेट्स के कारण और आपका वेजिटेशन के कारण जो है आपका हमारा सॉइल जो है वो एरिया वाइज जो है आपका डिफरेंस डिफरेंस टाइप का मिलता है. तो उसमें सबसे जो पहले हम लोग जिस सॉइल का डिस्कशन करेंगे वो पहला हमारा सॉइल है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल को हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं. एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया के अंदर में. सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है वो हमारा एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है और बहुत ही फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है. बहुत ज्यादा ही उपजाऊ मिट्टी है और डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ ये एलुवियल सॉइल का मतलब रीजन है, क्षेत्र है. तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इस एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाँ, कैसे इसका निर्माण होता है. तो इसके दो तरीके हैं, दो रूप से देखते हैं हम इसका निर्माण होता है. पहला देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है. इसके फॉर्मेशन में रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स है, मतलब इसके फॉर्मेशन में हिमालय जो नदी है उसका भूमिका है, उसका रोल है. हिमालय से जो निकलने वाली तीन नदियां है जो हिमालयन रिवर सिस्टम से, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा जो आपका ड्रेन करके वो जो चैप्टर था उसमें, उसमें आपका जो इंडस है, आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्र है. इन नदियों के आपका मतलब जो रॉक्स वगैरह है, जो माउंटेन्स वगैरह, उसको टूट फूट वेदर होने के बाद आपका जो डिपोजिशन आया उससे ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है. तो वही नॉर्दर्न प्लेन जो फॉर्मेशन हुआ है तो नॉर्दर्न प्लेन्स किसका बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है. तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिवर्स है उनके द्वारा आपका एलुवियल सॉइल का जो है फॉर्मेशन होता है. कि जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर जो रॉक्स है, माउंटेन्स जो है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी से टकरा करके टूटता फूटता, टूटने के बाद जब वो इरोड होकर के छोटे छोटे वही पार्टिकल्स में आता है तो वो जमीन पर मतलब आते आते मतलब आपका एलुवियल सॉइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. तो एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो चट्टानों के टूटने फूटने के बाद, वहां से इरोड होकर के आने के बाद आपका मतलब एलुवियल सॉइल वो कन्वर्ट होता है. तो हम लोग ये जान के पाला कि रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स है कि उससे उसके थ्रू एलुवियल सॉइल बनता है. दूसरा आपका लिखा है रोल ऑफ डेल्टा. तो आप जान रहे हैं कि नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट से लेके आया जाता है वही एलुवियल सॉइल है. तो डेल्टा का आखिर क्या रोल है, तो डेल्टा किसे कहते हैं, ये मैथमेटिक्स का डेल्टा नहीं है, ये डेल्टा जो है हमारा ज्योग्राफी का डेल्टा है. तो जब भी आप देखते हैं जो रिवर्स है, रिवर्स बहती है और बहते बहते जब वो आपका मतलब कि जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, रिवर्स जो है वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उनका जो जो ये बिल्कुल मतलब जो प्लेन पे जो उनका स्पीड होता है वो कम हो जाता है, उनका जो है स्पीड वो कम हो जाता है. और जो डिपॉजिट्स को लेकर के आती हैं वो आगे उस मुहाने पर जाकर के बहुत ज्यादा जमा हो जाता है. इसलिए जो रिवर का जो मेन स्ट्रीम होता है, जो मुख्य धारा होता है, वो अलग अलग ब्रांचेस में आपका डिवाइड हो जाता है और जो बीच में आपका सैंड सिल्ट क्ले जो भी मतलब आपका उसका मलबा आता है, जो डिपॉजिट्स आता है वो आपका जमा हो जाता है. वो जो डिपॉजिट्स होता है वो एलुवियल सॉइल का ही होता है. तो ऐसे करके आपका नदी जो है आपके साइड से निकल जाती है. आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुंदरबन का डेल्टा, हाँ, आप जान रहे हैं सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा. तो इस रीजन में भी आपका एलुवियल सॉइल का जो है फॉर्मेशन होता है और यहाँ भी आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है. तो आपने देख लिया हिमालयन रिवर्स के द्वारा और फिर ये रिवर्स जो डेल्टा बनाते हैं उनके द्वारा, ठीक है. तो ये हम लोग समझ गए, ये आपका फॉर्मेशन हो गया. दूसरा हमको इसमें पढ़ना है इसका लोकेशन क्या है, आखिर इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल जो है वो पाया जाता है. जाहिर सी बात है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है वो किससे बना है, हिमालयन रिवर्स के डिपॉजिट्स ला करके, डिपॉजिट जो लाए उन्होंने निक्षेप लाया गया है उनके द्वारा ही नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, उनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा हिमालय के बाद जो नीचे का इलाका है भारत के अंदर में, ठीक है, आपका वो पूरा इलाका जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर आपका पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड का ऊपर का हिस्सा हो गया, उसका बंगाल हो गया और असम हो गया. ये तमाम जो एरिया है आपका ये सब एलुवियल सॉइल का
एलुवियल सॉइल का ये रीजन हो गया, एलुवियल सॉइल का रीजन हो गया, इसमें आपका एलुवियल सॉइल का ये लोकेशन है, इन एरिया में जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। दूसरा आप देखिए कोस्टल एरिया लिख रहा है, मतलब कोस्टल मतलब क्या तटीय इलाका जो है लिखता है, तो आप जान रहे हैं और वो भी कौन सा कोस्टल एरिया, तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है मतलब जो पूर्वी हमारा जो मतलब जो तटीय क्षेत्र है उस एरिया के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है बहुत सारे रिवर जो है ना वेस्ट से आते हैं और आकर के आपका हमारे जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं तो आपका यहाँ इनका जब सी में मिलने के पहले आपका जो है वो इनका स्पीड कम हो जाता है और जो मेन स्ट्रीम है वो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण डेल्टास का फॉर्मेशन होता है। तो जो आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया पूरा हो जाएगा ये भी आपका जो है ये एलुवियल सॉइल का रीजन हो जाता है, ये भी एलुवियल सॉइल का जो है वो एलुवियल सॉइल का ये आपका क्षेत्र हो गया जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि आखिर ईस्टर्न में क्यों नहीं होता है, तो ईस्टर्न में उतनी बड़ी बड़ी नदियां जो है वो मतलब इधर नहीं होती है, छोटी मोटी नदियां हैं वो, यहाँ पे आपका जो ईस्टर्न घाट्स है और जो कोस्टल है इसके बीच ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए भी इधर से निकलने वाली नदियां हैं वो सीधे आपका एस्टुरी का निर्माण करते हो, आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और एस्टुरी का मतलब हो गया जो नदियां डायरेक्ट आपका समुद्र में गिर जाती है, उनको डेल्टा फॉर्मेशन करने का वहां स्पेस या उस तरह का मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए आपका ईस्टर्न एरिया में ही जो है आपका एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देख लिए, एक और रीजन आपका बुक में दिया होगा राजस्थान और गुजरात के बीच में पूरा गैलरी जो है वो एलुवियल सॉइल का है, ये हम लोग समझ गए इसका फॉर्मेशन क्या है और लोकेशन क्या है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट में दिया है चाउस द्वास एंड तराई, तीन चीज दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा एलुवियल सॉइल है उसमें आपका जो कंटेंट के रूप में है वो सैंड सिल्ट क्ले का बना क्ले है, ठीक है, जिसमें बालू है, गाद है, मृतका है, तमाम चीज उसमें है। तो जैसे जैसे हम लोग आपका रिवर्स के मतलब ऊपरी पार्ट में जाते हैं, ऊपर पार्ट्स में जाते हैं, तो जैसे आते हैं तो हम लोग को वहां पे अपर पार्ट्स में जाने के बाद जो उसका मतलब पार्टिकल्स है वो आपका बड़ा बड़ा पार्टिकल्स हम लोग को मिलने लगता है। तो आपका एक जो चर्चा दिया हुआ है कि ये चाउस और द्वास एंड तराई किसे कहते हैं, इसमें पिडमेंट करके एक वर्ड्स दिया होगा, पिडमेंट मतलब होता है कि जो हिमालय है या कोई पर्वत है, कोई भी आपका माउंटेन है, माउंटेन का जो आपका तलछट्टी होता है जिसको हम लोग पिडमेंट बोलते हैं, मतलब उसका जिस बेस पे वो खड़ा है इसका नीचे का जो एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में आपका जो ये रिवर्स नीचे है तो इसके ऊपर मतलब आइएगा तो इस इलाका में आपका जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे और इनके आधार पर आपका जो है वो एक मतलब आपका प्लेन्स का निर्माण हुआ रहता है और ये ज्यादा फर्टाइल रहते हैं। तो जो हिमालय का या किसी भी माउंटेन का जो आपका उसका जो नीचे का इलाका है जिसे जिसको तलहट्टी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में पिडमेंट बोलते हैं, पिडमेंट जो है आपका एक इटली का प्रोविंस है, वहां का एक प्रदेश का नाम पिडमेंट्स है, तो उसका मतलब होता है कि जो पहाड़ है उसके नीचे का जो प्रदेश है उसको हम लोग उस तौर पर मानते हैं। तो ये पिडमेंट्स का वही मतलब है यहाँ पे कि आपका जो चावल दिया हुआ है, ये चावल एक ही चीज का नाम तीन तीन जगह दिया हुआ है, चावल का मतलब वो पंजाब के एरिया में इसको चावल कहते हैं, द्वास कहते हैं आसाम में, और तराई कहते हैं यूपी में, ठीक है, जो आपका मतलब बड़े बड़े जो पार्टिकल्स या आपके पेबल्स टाइप के हैं जो आपका, ठीक है, वो आपका वहां पे उस तरह का प्लेन्स बना हुआ है। ठीक, तो ये चीज हम लोग समझ गए। आगे आपका एलुवियल सॉइल जो है तो रीजन के हिसाब से आपका ये बटा हुआ है चाउस द्वास और तराई के अंदर में। और नेक्स्ट आपका आ रहा है खादर एंड बांगर। आप जानते हैं एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल को हम लोग डिवाइड करते हैं आपका एज के हिसाब से, तो हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक खादर में और एक दूसरा बांगर में। तो खादर जो होता है, खादर इज अ न्यू एलुवियल सॉइल, खादर क्या है नया जलोढ़ मिट्टी है, एंड बांगर इज अ ओल्ड एलुवियल सॉइल, बांगर क्या है ओल्ड एलुवियल सॉइल है। खादर जो होता है वो आपका जैसे कि मान लीजिए रिवर्स है, रिवर्स का अपना एक बेड होता है, मगर जब आपका फ्लड आता है, जब बाढ़ आता है तो रिवर जो है वो फ्लो करती है चारों तरफ अपने एरिया में ले लेती है, तो उस समय जो नई नई मिट्टियां जो आती हैं, महीन पार्टिकल्स जो आते हैं,
ठीक है, वो आकर के नई मिट्टी जो है उस तमाम एरिया में बिछ जाती है, तो उसको हम लोग खादर्स के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग न्यू एलुवियल भी जानते हैं। और वानर जो है वो जैसे कि मान लीजिए आपका जहां तक उस नदी का नदी है, नदी के आसपास के एरिया जहां तक फ्लड आता है, उसके बाद का जो एरिया है जो पहले से बना हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग वानर के रूप में जानते हैं। इसमें कंकर्स पाए जाते हैं और इसमें महीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बागर। तो हम लोग जानते हैं कि खादर जो है वो न्यू एलुवियल है, नदियों के द्वारा फ्लड के दरमियान लाया जाता है। और वानर जो है जो पहले से एलुवियल सॉइल हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ वो है। और खादर जो है आपका ज्यादा फर्टाइल है, इसमें महीन पार्टिकल्स है, और वानर जो है इसके कंपेरिजन में कम फर्टाइल है। ठीक है, तो खादर और बांगर हमारा हो गया, इसको हम लोग बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है इसमें कि क्या कंटेंट्स है, आखिर जो हमारा एलुवियल सॉइल है उसमें आपका क्या, उसका मतलब क्या क्या, मतलब ऐसा एलिमेंट्स है जिसके आधार पे उसका मतलब वो फर्टाइल है। तो हम लोग को कंटेंट्स के कंटेंट के रूप में याद रखना है क्या उसमें कंटेंट है। तो पोटास है, पोटास की मात्रा उसमें है एलुवियल सॉइल में, फॉस्फोरिक एसिड है, उसके बाद लाइम है, चूना है। ठीक है, इन कारणों से आपका जो आप एलुवियल सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल होता है, ज्यादा उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और आपका अब देखना हम लोगों को कौन से इसमें क्रॉप्स होते हैं, तो सारे क्रॉप्स होते हैं, ऐसा थोड़ी एलुवियल सॉइल में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं। सो मगर मोस्टली ज्यादा हम देखते हैं सुगर केन, पैडी, वीट, पल्स एंड सिरल, मतलब आपका जो गन्ना है, धान है, गेहूं है या दाल है, या जो मोटा अनाज में हम लोग का जौ, बाजरा या आता है मेज या ज्वार, जो भी आता है वो सभी होता है। मगर बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि आपका सुगर कैन, पैडी और वीट जो है होता है। और ये जो इसके इसके उपजाऊपन के कारण, इसके फर्टिलिटी के कारण जो ये इलाका है वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, मतलब गहन कृषि होता है। आप जान रहे हैं कि जो इलाका ज्यादा फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ज्यादा फर्टाइल रहता है, तो उसमें ज्यादा मतलब सिविलाइजेशन वहीं होता है। तो उसी तौर पर आप देख लीजिए जो हमारा यूपी हुआ, जो बिहार हुआ, या दिल्ली का इलाका हुआ, कितना ज्यादा ये पॉपुलेटेड इलाका है, बहुत डेंस इलाका है, बहुत घना बसा इलाका है। इसलिए क्योंकि यहाँ फर्टाइल आपका सॉइल है, क्लाइमेट वैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो आप पिछले क्लास में सब पढ़ चुके हैं, तो ये सब कारण से जो आपका है एलुवियल सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी जितने मिट्टियों का विस्तार है उसमें मैक्सिमम एरिया पे एलुवियल सॉइल का विस्तार है। तो इसमें हम लोग फॉर्मेशन देख लिए, फॉर्मेशन ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर्मेशन हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा, फिर आपका जो उसका मतलब और भी जो डिफरेंसेज है वो, और खादर एंड बांगर कंटेंट्स क्या है, और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, इन तमाम चीजों को लेकर के आप पॉइंट अगर आपका माइंडसेट रहेगा तो आप आंसर को एलोबरेट करके आराम से लिख सकते हैं। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।